आज के टाइम पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्टडी का बेनिफिट ना ले रहा हो। अगर कोई ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहा है तब भी वो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा लेता है। जैसे कि तुम्हारे साथ भी, अगर तुमने कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो होता है ना कि उस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं और वहां पर जो टीचर ने पढ़ाया और बाई चांस ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया तो चलो यूट्यूब पर ही स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ से समझ लेते हैं ये वाला टॉपिक, है ना। लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे क्या प्रोज हैं, यानी कि क्या फायदे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि भाई ये है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है ना। किसी का अगर बजट नहीं है तो वो आराम से एक कम प्राइस में भी एक अच्छा बैच यूज कर सकता है। अगर पैसे भी नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर भी काफी सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, आप वहां से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वहां से कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज अब अवेलेबल है। दूसरा क्या है, इजीली असेसिबल है। जैसे कि कई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कोई ट्वेल्थ के बाद किसी ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में इन्वॉल्व है तो वो क्या कर सकता है कि अब ट्वेल्थ में पढ़ रहा है कोई बच्चा, तो फिर वो लौट के आता है, फिर पूरे दिन भर स्कूल का कवर करने के बाद इतना थकान हो जाती है, एंड में आते हुए फिर नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि जाओ तुम फिर कोचिंग करने जाओ, वहां तक जाओ फिर आओ, तो बॉडी इतनी थक जाती है। ऐसे केस में अगर ऑनलाइन कोई भी कोर्स है वो आप आराम से घर पे बैठ के अपना खाते पीते लेट के जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो, तो इजीली असेसिबल है ना, आराम से अपने बॉडी को भी रिलैक्स करते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, रीच टू एवरीवन क्या है, गांव में बैठा हुआ भी हर बच्चा आज एक बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे टीचर की एजुकेशन ले सकता है, उससे पढ़ सकता है। क्या है, जहां जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां वहां आज ये ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच चुकी है, तो रीच टू एवरीवन हर कोने तक पहुंच चुका है। ठीक है, लास्ट हमारा फायदा क्या है कि भाई मल्टीपल ऑप्शंस है। पहले क्या होता था कि सिर्फ ऑफलाइन एजुकेशन थी, ऑफलाइन कोचिंग करने जा रहे हैं हम, जहां कोचिंग पढ़ने जाते हैं वहां पर हमने एक बड़ी सी रकम दी और बड़ी सी रकम देने के बाद पता चला कि उस टीचर का हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये चैप्टर हमें समझ नहीं आता, अब हम क्या करें, अब हम कहीं और अगर किसी और टीचर के पास जाएं तो फिर एक और बड़ी सी रकम देनी पड़ेगी, अब फिर वो बड़ी सी रकम हमारे पास नहीं है तो फिर वो चैप्टर वो कॉन्सेप्ट हमेशा वीक ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर फायदा क्या है कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो दूसरे टीचर से ले लो, अगर कोई चीज सस्ती है तो फिर हम अदर ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं और हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये सब तो हमारे फायदे थे, लेकिन नुकसान कम नहीं है। ठीक है, तो चलो नुकसान भी देखते हैं कि हमारे नुकसान क्या है। तो नुकसान हमारा सबसे पहला ये है कि सेंस ऑफ आइसोलेशन, जो भी बच्चा अगर सिर्फ ऑनलाइन स्टडी कर रहा है और वो सिर्फ ऑनलाइन बैच लेके अपने घर पे स्टडी करता है तो देखो वही बच्चा कर रहा होगा जिसका ऑब्वियसली बजट गड़बड़ है। ठीक है, या फिर उसे लगता है कि हाँ भाई मैं ऑनलाइन ही स्टडी करना चाहता हूँ क्योंकि ऑफलाइन स्टडी करने जाते तो उसमें भी अपने अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो एक यहाँ पर ये यह है कि अगर घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसे लगता है कि यार मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ जैसे मैं सोचता हूँ वैसे वाली सोच वाला कोई है ही नहीं, बहुत अकेलापन सा हो जाता है। फिर अकेलापन दूर करने के लिए हम यूट्यूब सरकाते हैं और यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, फिर पता चलता है कि उसमें और टाइम निकल गया तो और टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगला क्या होता है कि भाई हाई डिसिप्लिन चाहिए होता है, हाई डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज्यादा दृढ़ता चाहिए तुम्हें अपने आप अपने बेसिस पर सेल्फ स्टडी ऑनलाइन करने के लिए। देन उसके बाद क्या होता है कि डिफिकल्टी इन स्टेइंग मोटिवेटेड, अब तुम घर पे रहकर अकेले रहकर अपने जैसे लोगों से घिरे हुए भी नहीं हो, फिर स्टे मोटिवेटेड रहना काफी मुश्किल काम होता है ना। उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, आंखों में प्रॉब्लम, कान में दर्द, सर में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तुम लेक्चर्स देख रहे हो आवाज जाती है, ईयरफोन्स लगा, मैं तो तुमसे कहूंगी कि ईयरफोन लगा के मत देखा करो लेक्चर्स को, अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो ओपन करके ही देखा करो, है ना, तो कानों पर थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा, तो हेल्थ इश्यूज इस तरह से बचा सकते हो। और आंखों पे अगर असर पड़ता है तो मैं अपने गॉगल्स बनवा लो, जो ब्लू लाइट फिल्टर वाले बनते हैं वो बनवा लो, तो हेल्थ इश्यूज को जरूर कवर अप करो। बाकी ऑफलाइन कोचिंग में तो होता था कि जब इधर से जा रहे हो उधर से जा रहे हो, साइकिल से जाएं या पैदल जाएं तो बॉडी भी एक्टिव रहती थी, लेकिन अब क्या है घर पे ही बैठे हैं तो बॉडी भी एक्टिव नहीं रह पाती है ना, ये भी एक दिक्कत हमारे साथ आती है। फिर लास्ट है कि भाई वैरायटी ऑफ ओपिनियंस हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैरायटी ऑफ ओपिनियंस है। बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किसी और की स्ट्रेटजी तुम्हारे काम आ जाए। तुम्हारी कंडीशन अलग है ना, है ना? तो तुम इतने सारे लोग बता रहे होते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो, इन सब में कंफ्यूज हो के कि एक स्ट्रेटजी को ही तुम ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। कई बार होता है ना कि हमारे पास चार ऑप्शन है, जैसे होता है हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो खुद कपड़े खरीदने जाओ तो फिर क्या होता है कि यार ये वाले कपड़े खरीदे, ये वाली टी शर्ट खरीदे, ये खरीदे कि ये खरीदे, चार टी शर्ट है, क्या कंफ्यूजन है। तो अगर साथ में दोस्त हो या फिर साथ में मम्मी जा रही है तो फिर वो बोल देते नहीं नहीं ये वाली खरीदो। जब कोई एक होता है ना हाँ बोल दे कि हाँ तुम्हारे हिसाब से तुम पर क्या सूट करेगा, क्या सही लगेगा, वो अगर बोल देती है कि हाँ ये खरीदो तो हाँ शर्ट ही रहती है और मन को भी सुकून मिल जाता है कि चलो हाँ ठीक है मम्मी ने बोला है तो ये वाली चीज तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो एक कोई ऐसा पर्सन जो तुम्हें अच्छे से जानता हो, तुम्हारे साथ हर रोज कनेक्टेड हो, वो तुम्हारे लिए सही बता सकते हैं कि तुम्हें क्या चीज सेलेक्ट कर लेनी चाहिए और उसी का हाथ पकड़ के पूरी जर्नी अपनी कवर करनी चाहिए, है ना? चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं कि हम इन ये जो मुश्किलें थी, ये जो हमारे इश्यूज थे, डिसएडवांटेज थे, इनको कैसे बीट कर सकते हैं। तो हाउ कैन यू बीट ऑनलाइन स्टडी इशू? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो था ना मेरे हिसाब से वो हेल्थ इशू है। हेल्थ की प्रॉब्लम मैं बहुत बच्चों के साथ देख रही हूँ, किसी के कानों में दिक्कत आ रही, किसी के आंखों में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि तुम फिजिकल एक्सरसाइज पर फोकस करो, अपने लिए टाइम निकालो, सुबह उठो और सुबह रनिंग करने जाया करो, है ना? दूसरा मेरा सजेशन ये है कि तुम एक प्रॉपर मेंटोरशिप लो। क्यों? अब बात आती है कि हमें मेंटोरशिप क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, व्हाई शुड आई ज्वाइन दिस मेंटोरशिप, है ना? ये डाउट आता है। तो अब देखो, मेंटोरशिप इसलिए भी ज्वाइन करनी चाहिए कि भाई हर किसी का, एवरीवन हैज देयर ओन स्टडी पैटर्न। हर कोई ना अलग अलग तरीके से पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपर था वो 18 घंटे पढ़ लेता है तो तुम भी 18 घंटे पढ़ लो। जो हमसे हमारा बेस्ट हो सकता है ना हम वो परफॉर्म करेंगे। तो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब कोई भी स्ट्रैटेजी जो किसी और के लिए काम करी है तो जरूरी नहीं है ना कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे। स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर अदर्स वोंट नेसेसरी वर्क फॉर यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे। किसी और की स्ट्रैटेजी वो उसके सिचुएशन के हिसाब से थी, तुम्हारी सिचुएशंस अलग है, तुम यूनिक हो, तुम्हारी सिचुएशंस यूनिक है, तुम्हारी सिचुएशंस अलग है, तुम्हारे घर की परिस्थितियां अलग है, तो फिर तुम्हारी कंडीशन किसी से कैसे मैच कर सकती है। अब हम देखो, बात ये होती है कई बार कई बच्चे अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी वो सिर्फ इसीलिए लूज कर जाते हैं कि उनके पास एक मेंटल सपोर्ट नहीं होता। और इस एज पर कई बार कई सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो स्टडीज से रिलेटेड नहीं है। पता है नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नॉलेज ही नहीं चाहिए होती है। कई बार आपको एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है, कई बार आपको अपने दिमाग को संभालना भी आना चाहिए होता है ना? इसको इसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई बच्चे सिर्फ इस मेंटल सपोर्ट की कमी की वजह से ही लूज कर जाते हैं। ये मैंने बहुत सारे देखे हैं, खुद भी एक्सपीरियंस किया है। बाकी इसीलिए हम एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें तीन टाइप के बैचेस लॉन्च किए हैं। सबसे पहले मतलब बैचेस क्या हैं, बैच ए, बैच बी एंड बैच सी। मैं तुम्हें सबसे पहले बैच सी के फीचर्स बताती हूँ। बैच सी के फीचर्स क्या हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा फीचर्स इसी के हैं। तो बैच सी के फीचर्स क्या हैं कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है उन मेडिको मेंटोर्स के साथ जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है? और इन मेंटोर्स के साथ ये मेंटोर्स आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन के जैसे आपको गाइड करेंगे, ठीक है? क्या क्या फीचर्स हैं? आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी 3 लेवल पे। अब ये 3 लेवल का क्या चक्कर है? 3 लेवल का मतलब है कि एवरी स्टूडेंट विल गेट 3 मेंटोर्स हु विल चेक देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको डेली बेसिस पे आपकी रिपोर्ट देख रहा है, एक मेंटोर आपको वीकली बेसिस पे देख रहा है, और एक मेंटोर आपकी मंथली बेसिस पर आपकी रिपोर्ट चेक कर रहा है। तो आपके ऊपर सिर्फ एक नहीं, तीन तीन मेंटोर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो पर्सनल मेंटोरशिप है जो डेली बेसिस पे देख रहा है, आप आराम से डेली उससे चैट पे भी बात कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है? अभी आगे और बताती हूँ। पर्सनलाइज्ड स्कोर बूस्टर स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। देखो बात वहीं पर आई ना हमारी,
कि तुम्हें फिजिक्स में तुम्हारा क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हारी कैसी पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम्हारी फिजिक्स की, तुम्हारी केमिस्ट्री की, तुम्हारी बायोलॉजी की जैसी भी दिक्कत है, तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो स्टडी मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड कराना, तुम्हारे पास टेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें हम टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसी भी दिक्कत तुम्हें तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में आ रही है वो सारी हर दिक्कत तुम्हारी सॉल्व कराई जाएगी। और यहाँ पर यू विल गेट द मंथली वीकली एंड डेली स्टडी टारगेट, ठीक है? तुम्हारे हर रोज, पहले तो तुम्हारा मंथली टारगेट बनाया जाएगा, देन उसके बाद वीकली एंड देन डेली स्टडी टारगेट, कि तुम्हें एक महीने में कितना करना है, फिर एक हफ्ते में कितना कर लेना, और डेली के बेसिस पर तुम्हें कितना काम कर लेना है, ठीक है? और यही पर्सनलाइज सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी कि तुम अपने फिजिक्स में ये अप्रोच लगाओ, केमिस्ट्री में ये लगाओ, बायोलॉजी में ये लगाओ, ठीक है? कंप्लीट, मतलब तुम्हें अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए कहीं यूट्यूब पे भी नहीं भागना, तुम अपने मेंटोर से पूछो, वो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे, ठीक है? देन उसके बाद थर्ड क्या है कि ऑल सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये जो कहीं नहीं मिल पाता, कि ऑल सब्जेक्ट डाउट सॉल्विंग, तुम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के डाउट्स भी अपने मेंटोर से पूछ सकते हो। अपने तुम्हारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उनके साथ पर्सनली, उन्हें अपना भेजो उन्हें डाउट, वो तुम्हें ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल जैसा भी नेसेसरी होगा उसके हिसाब से तुम्हारा डाउट सॉल्व कराएंगे। अगर ऑडियो कॉल पे सॉल्व हो पाता है तो ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे सॉल्व हो पाता है तो वीडियो कॉल पे, ठीक है? देन उसके बाद फोकस ऑन सॉल्विंग नॉन एकेडमिक इश्यूज। हमारा फोकस सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ भाई तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली प्रॉब्लम देखना, तुम्हारी नॉन एकेडमिक इश्यूज, तुम्हारी अदर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी तुम आराम से शेयर कर सकते हो। तुम्हारे सीक्रेट्स बिल्कुल पर्सनलाइज तुम तक और तुम्हारे मेंटोर के बीच में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को भी लीक किया जा रहा है। बट तुम्हारी नॉन एकेडमिक इश्यूज कई बार होते हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहा होता है, तो वो भी तुम्हारे सॉल्व किए जाएंगे, कि योर मेंटोर विल बी लाइक योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, ओके? एंड यू कैन गेट अ मेंटल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक? देन उसके बाद अगला क्या है कि एनसीईआरटी हाइलाइट्स स्पेशली फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो बायोलॉजी की एनसीईआरटी हाइलाइट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं बायोलॉजी की तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में तो तुम अगर मैं हाईलाइट करने बैठू ना तो हर लाइन हाईलाइट हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आज तक अगर सारे प्रीवियस उठा लो तो आज तक हर लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर तो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन बात आती है कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें क्वेश्चंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना होता है और एनसीईआरटी पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा थ्योरेटिकल आता है। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी दिए जाएंगे। तो दिस प्लान इज वैलिड फॉर 2024 तक के लिए वैलिड है, नीट 2024 तक के लिए। और बेसिकली इसका प्राइस 2,999 था, लेकिन अभी तुम ज्वाइन करोगे 1,999 पर, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, सिंपल samikshadaksh.graphi.com इस वेबसाइट पर जाना है। गूगल पे भी अगर तुम इतना डाल दोगे ना ये वाला पार्ट, तो तुम्हें सबसे पहले वेबसाइट खुल के आ जाएगी और उसी पे क्लिक करना है, अभी मैं बताऊंगी आगे। देन उसके बाद हमारा जो बैच बी है, बैच बी क्या है, सेम फीचर्स हैं जो बैच सी में बताए अभी मैंने, कि तुम्हें थ्री लेवल पे पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है, तीन मेंटोर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज तुम्हें स्कोर बूस्टर स्ट्रेटजीज मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट के तुम डाउट्स पूछ सकते हो ऑडियो वीडियो कॉल पर, तुम्हारे नॉन अकेडमिक इशूज पर भी ध्यान दिया जाएगा, तुम्हारे एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है? पर यह है कि ये आपके लिए वैलिड है फॉर 1 मंथ, और इसका प्राइस है, बैच का प्राइस 999 है, बट यू कैन ज्वाइन एट 499, ठीक है? तो 50% डिस्काउंट पर है ये, ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, 1 मंथ का ज्वाइन करके तुम आराम से समझ सकते हो कि हाँ ये मेंटोरशिप भी तुम्हारे लिए है या नहीं, ये सही काम करेगी तुम्हारे लिए या नहीं, ठीक है? बैच ए क्या कहता है, बैच ए में आप बैच ए जो है वो भी एक ट्रायल बेसिस पे, अगर किसी को ट्रायल करना है तो भी कर सकता है, पर्सनल मेंटोरशिप तुम्हें मिलेगी। यहाँ पर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के डाउट्स पूछ सकते हो अपने, और आपके नॉन एकेडमिक इश्यूज पर भी फोकस किया जाएगा, ठीक है? तो ये आपका 1 वीक तक के लिए वैलिड रहेगा। इसका प्राइस जो था 199 था, बट इसको आप आराम से 99 के प्राइस पे ज्वाइन कर सकते, ठीक है? तो आप ट्राई कर सकते हो कि आपकी थिंकिंग मैच कर पा रही है मेंटोर से कि नहीं, आपके डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं मेंटोर या नहीं, ठीक है? एक अगर एक हफ्ते के लिए ट्राई करना है, एक वी मंथ के लिए ट्राई करना है, या फिर पूरे नीट 2024 तक के लिए ट्राई करना है, कुछ कुछ भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? अच्छा,
ये तीन मेंटोर्स का क्या रोल है मैंने तुम्हें बता दिया। मेंटोर वन जो है वो तुम्हें डेली बेसिस पर गाइड करेंगे, तुम्हारे डाउट्स एक्सप्लेन करेंगे। मेंटोर टू जो क्या है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और होल मेंटोरशिप का तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा वीकली बेसिस पर वो देखेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तुम्हें मेंटोरशिप में। देन सीनियर मेंटोर विल क्या करेगा कि विल कंडक्ट द मंथली सेशंस एंड टेलिंग यू द स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड मेंटली एंड अकेडमिक। तुम्हारे सीनियर मेंटोर मंथली सेशंस कराएंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ, जहां तुम और बच्चों का भी देख सकते हो कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। सभी की प्रोग्रेसेस डिस्कस की जाएंगी, सभी को और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी ताकि आप एकेडमिकली और मेंटली भी अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, क्योंकि दिमाग अच्छे से काम जब ही करेगा जब हम हमारी सोच में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा भी और इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, देन उसके बाद कि क्या होगा आफ्टर ज्वाइनिंग द मेंटोरशिप। तो आपको सबसे पहले आप जब ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, वहां पर आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना होगा। यू विल बी एडेड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप विद योर मेंटोर। आप फिर उसके बाद आप उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर डालोगे तो आप अपने मेंटोर के साथ ग्रुप में ऐड हो जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप में। विद इन 24 से 36 आवर्स, 24 से 36 आवर्स के अंदर आपके पास एक कॉल आएगी फ्रॉम योर मेंटोर। ठीक है, फ्रॉम योर मेंटोर आपके पास एक कॉल आएगी, वो कॉल वहां पर आपको अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। ऑनेस्टली ध्यान रखना है, सब कुछ बताना है अपने बारे में जो भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस आपके जो मेंटोर होंगे वो आपका पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज बनाएंगे। ठीक है, तो आप पहले कॉल पे सारा कुछ बताओगे अपने मेंटोर को, उसके हिसाब से आपकी हर सब्जेक्ट की और हर तरीके से सारी स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। जिस चीज की कमी है वो चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि योर मेंटोर विल गिव यू द, आपने बात कर ली अपने मेंटोर से, फिर मंथली वीकली और डेली स्टडी प्लान्स भी आपको दिए जाएंगे। वी नीड योर ऑनेस्टी एंड बिलीव फॉर योर मेंटोर। हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे चाहिए आपकी ईमानदारी और आपका भरोसा। देखो जैसे पेशेंट का जब तक डॉक्टर पे भरोसा भरोसा नहीं होता ना तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, उसी तरीके से एक स्टूडेंट का मेंटोर पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। ठीक है, और आपको अपने मेंटोर को डेली रियल स्टडी आवर्स भी शेयर करने होंगे। वो मेंटोर आपके साथ कनेक्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि तुम्हें उन्हें डेली स्टडी आवर भी बताने हैं, स्टॉप वॉच सेट करके किस तरीके से स्टडी आवर कैलकुलेट करने हैं, वो सब आपको मेंटोर्स बताएंगे। ठीक है, ये मैं बेसिकली बता रही हूँ क्या क्या करना है। अब आप ज्वाइन कैसे करोगे, मैंने पहले बताया कि आपको समीक्षा दक्ष, वेबसाइट का नेम है ना समीक्षा दक्ष, DAKSH डॉट, ये एक साथ ही लिखना है ना, समीक्षा और दक्ष में गैप मत करना, समीक्षा दक्ष डॉट ग्राफी डॉट कॉम डॉट कॉम। ठीक है, ये वेबसाइट अगर इतना भी तुम अगर गूगल पे डाल दोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सप्लोर कोर्सेज लिखा आ रहा है, ये एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से कोर्सेज अपियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कोर्सेज अपियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ही का फोटो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 2999 का प्राइस था, लेकिन 1999 पे आप इसको आराम अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बैच सी वाला है, बाकी और भी हैं। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा कि ये पूरा डिटेल्स शो करेगा कि इस मेंटोरशिप में क्या क्या गिवन है। ठीक है, सारी डिटेल शो करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ये बाई नाउ करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर और कौन से स्टेट से हो वो डालने के बाद फिर जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा कि ये वाला पैटर्न ओपन होगा, जहां आपने कार्ड, यूपीआई वॉलेट, किसी भी पैटर्न से आप पे कर सकते हो। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पे करना यूपीआई के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यूपीआई के थ्रू तो आसानी से आराम से सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी जो है लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट करने का ऑप्शन है, आराम से वहाँ पे कमेंट कर लो। और आप पर्सनली मेरे को भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, उसकी भी मैं मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली चैट करने की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो एवरीथिंग हर चीज की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके एक बार ही चेक करना और एक बार जाके वेबसाइट स्क्रॉल जरूर करना, है ना। और मैं बता रही हूँ
ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लास्ट ईयर नीट 2023 से पहले हमने लास्ट के 10 डेज पर फ्री मेंटोरशिप दी थी कई स्टूडेंट्स को, और उनका रिस्पॉन्स ये था कि काश ये मेंटोरशिप हमें पूरी साल मिली होती, है ना। तो आज हम लास्ट टाइम पे, मतलब अब 10 दिन में इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट तब कैसे करेंगे, लेकिन उनका यही कहना था कि पूरी साल भर अगर मिली होती ना तो हम बहुत फायदा कर जाते, ठीक है। तो इसीलिए पूरी साल भर के लिए शुरू किया है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इस चीज को ज्वाइन करो, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। 5 अगस्त से शुरू कर रहे हैं हम मेंटोरशिप। 5 अगस्त को जितने भी इनरोलमेंट्स होंगे सबके साथ पहले कनेक्ट करेंगे, मैं और भी सारे मेंटोर्स जो होंगे वो सभी होंगे, सारे बच्चे होंगे, और फिर पहले सारी बातें फिर से समझाएंगे ढंग से, और फिर प्रॉपरली आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड कमेंट्स में बताना मुझे अपना रिस्पॉन्स क्या है, और वीडियो लाइक करना, और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।